हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब, मैं हूं अभी जयपुर में आसिफ भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आसिफ भाई? अल्लाह करम भाई। आसिफ भाई, अभी लंबे टाइम बाद जो है वीडियो बनाना हो रहा है जी भाई। लास्ट टाइम भी जो है बड़े बकरे आपने हमें दिखाए थे जी। हाँ, तो अभी क्या बात है, बड़े बकरों के अंदर ही बड़े बकरे में काम कर रहे भाई? बच्चों के अंदर इतना ध्यान नहीं दे रहा, काम दे रहा। तो उसकी वजह क्या है, अभी शौक चल रहा है या शौक भी कर रहे हैं? ट्रेडिंग भी चालू है जी। हाँ ठीक है, अभी कितने बकरे रखे हुए? दो बकरे पड़े, दो बकरे रखे हुए, लेकिन इस वीडियो के अंदर सिंगल ही दिखा रहा हूँ। सिंगल ही जी। हाँ ठीक है, पहले अपन बकरा देखते हैं, फिर उसकी डिटेल्स की बातें आगे करते हैं। है तो गुजरी ब्रीड के अंदर बकरा, गुजरी है। और डिटेल्स की बात करें तो हाइट कितनी होगी? हाइट 44, 44 की हाइट 44. है, नापी है आपने ये? हाँ नापी भी है माशाल्लाह। और कांटा करके देखा इसका वजन? कांटा करा नहीं, कांटा करके दे देंगे वैसे। अंदाज क्या बोलता है? 110 से 115। कितना? 110 से 115 तक। अच्छा इतना आ जाएगा माशाल्लाह। और दांत इसके? दांतों में पूरा है, दांतों में पूरा है। तो आपके पास कब से है जानवर ये? मेरे पास तो लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना आपके पास हो गया? आपने पूरे दांतों पे परचेस किया था? जी हाँ जी हाँ। ठीक है, वैसे गुंजाइश तो अभी भी इसमें काफी सारी दिख रही है, गुंजाइश है बकरे में अभी तो। और सेल्फ फीडिंग का ही जानवर होगा? सेल्फ फीडिंग पे ही है। बहुत बढ़िया, इसको एक बार टर्न करके आप दिखाओ चला के बकरे को। वैसे जो लोग भराई करते हैं आसिफ भाई, उन लोगों के काम का बकरा है, क्योंकि हाइट भी है बकरे के अंदर और पैरों से भी माशाल्लाह बहुत मजबूत दिख रहा है ये। ठीक है, अभी अमजद भाई भी साथ में है, अमजद भाई साथ है हमारे, तो बिल्कुल वीडियो में उनको लेके आते हैं। हाँ ये आ गए। वालेकुम सलाम। थोड़ा क्लोज हो जाएं आप माइक में, ताकि आपकी आवाज़ आती जाए। अमजद भाई बकरा खरीद तो लेते हैं जी भाई लोग। बकरा खड़ा कैसे करना है, दिखाना कैसे है, इसके लिए मुझे बुलाया है। अच्छा, सिर्फ बकरा संभालने के लिए भाई हमारा यार है। ठीक है, तो अभी अमजद भाई अच्छा है माशाल्लाह। देखो सादब भाई, मैं बताऊं थोड़ा, क्या वीडियो में बोल नहीं पता है, ये बकरा अच्छा है। 100 वजन की पूछी थी आपने, कितना जाएगा? बकरे पालने वाले के ऊपर है जी जी, जैसे उसका खिलाई पिलाई होगी हिसाब से बकरा। तो आप अगर कोई अच्छे बंदे को देते हैं जो अच्छी खिलाई पिलाई करते हैं, तो उस हिसाब से कितना जाना चाहिए यार? उसके हिसाब से तो देखो मेरी बात सुनो, 170 किलो के आसपास बकरा जाना चाहिए। बकरे में गुंजाइश है, फ्रेम है और लेंथ वगैरह सब अच्छी है बकरे। तो 170 किलो के ऊपर बकरा जो है आराम से खड़ा रहेगा? हाँ इंशाल्लाह, पैरों में इतनी मजबूती है। हाँ मैं चला के दिखाता हूँ। अभी तुम्हारे सामने तो और ज्यादा बड़ा दिख रहा है। अरे यार ऐसा मत बोलो माशाल्लाह। छोड़ लिया जी, अभी देखो फ्री होके खड़ा हुआ ना, तो वो अपना स्ट्रक्चर दिखा रहा है, क्या साइज का बकरा है माशाल्लाह। तो आसिफ भाई अभी इसको डाइट में क्या दे रहा हो? डाइट पे ही बकरा भराई पे नहीं, सेल्फ फीडिंग पे ही है ना? सेल्फ फीडिंग पे ही। कितना अनाज उठा रहा होगा? सेल्फ फीडिंग पे। सेल्फ फीडिंग पे ले आओ, आगे ले आओ, आराम से आराम से। अमजद भाई इतने बड़े बकरे को कितनी खुराक लगना चाहिए सेल्फ फीडिंग वाले को? अनाज क्या मांग रहा हो? पैसे पर्सनल में रखोगे, वीडियो में नहीं बताओगे? चलो कोई दिक्कत नहीं है। खैर बकरा माशाल्लाह पसंद आया मुझे, और सारी क्वालिटीज़ जो है गुजरी बकरे के अंदर होना चाहिए वो सब कुछ है बकरे के में। अब प्राइस के लिए जो है वो पर्सनल में कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपसे सीधा कांटेक्ट कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।